गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज स्वागत करता है आप सभी लोगों का आज आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और अभी भी हम सभी के बीच में है, तो मैं आपसे यही अपेक्षा करूँगी कि आप सभी लोग हमेशा तत्पर हैं इस वायरस के खिलाफ, हमेशा डरते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हैंड वॉश करते रहें। तो आज आर्ट और क्राफ्ट की क्लास में मैं आप लोगों को गणपति बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप अपने जैसे कि दिवाली फेस्टिवल आता है या रक्षाबंधन भी है या मंदिर में भी आप सभी सजा सकते हैं उसको। तो उसके लिए हमें चाहिए दो तरह की क्ले। तो आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे येलो कलर की क्ले है और ये रेड कलर की क्ले है। आप चाहें तो येलो और ऑरेंज का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि किस तरह से क्ले से हम गणपति बनाएंगे। सबसे पहले हम येलो क्ले लेंगे, उसका एक बड़ा सा बॉल बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एक बड़ा सा बॉल है और इसे हमें बड़ा साइज का बनाना है। ये देखिए सभी बच्चे जो भी ध्यान से देख रहे हैं, तो इस साइज का हमें बनाना है और ऐसे क्ले को राउंड राउंड करके बनाना है। तो ये आप आसानी से बना लेंगे और मैंने इसे यहाँ पे रख दिया जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब जो दूसरा बॉल बनाएंगे वो भी येलो कलर का ही होगा और वो उस साइज से थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं गणपति का क्या है, पेट है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा होगा और ये उसका सर बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्मॉल साइज में होगा। तो इसे भी हम राउंड राउंड घुमाएंगे और ऐसे ऐसे करके बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। क्ले के अंदर थोड़ा स्टिकीपन होता है जिससे आसानी से क्या होगा कि चिपक जाएगा। आप इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये आसानी से चिपक जाएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये आसानी से चिपक गया है, स्टिक हो गया है एक दूसरे के ऊपर, हम इसे यहाँ पे रख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इसके कान बनाएंगे, गणपति के कान बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपने थोड़ा सा क्ले लिया, इसे आपने राउंड राउंड ऐसे घुमा दिया। राउंड राउंड घुमाने के बाद आप इसे कहीं भी टेबल पे रख दें और एक ऐसी उंगली या थंब प्रेस कर दें, तो इससे ये कान का शेप बहुत आसानी से बन जाएगा और नीचे की तरफ थोड़ा सा पिंच करने पर ये और भी स्मूथ बन जाएगा। तो इसी तरह से दोनों कान के हेयर्स हम बना लेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखे हुए दो जो मैं इसमें संबल कर देंगे।
इसलिए छोटे छोटे से लड्डू हम और बनाएंगे एक दो और उनके हैंड पर यहाँ पे रख देंगे। तो आप देख लीजिए, इसके बाद हम इनके पैर के पास थोड़ा सा रेड कलर लगाएंगे जिससे ये पता चलेगा कि इन्होंने पैरों में भी कुछ पहन रखा है। अब हम इनका ताज बनाएंगे। इस तरह से हम बॉल बनाएंगे और उसे हाथों से प्रेस कर लेंगे और एक येलो कलर का बनाएंगे जो इसे थोड़ा सा लिटिल बिट छोटा होना चाहिए और उसे भी हम हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। उसके बाद इसे हम यहाँ पे ऐसे करके, आप देखिए सभी लोग इसे ऐसे यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद फिर ये येलो कलर, उसके बाद थोड़ा पत्ती से शेप देते हुए तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमने ये गणपति तैयार कर दिया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सभी इसे घर में बना सकते हैं। मैं इसे पास से दिखाना चाहूंगी आपको। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है और रिक्वेस्ट है कि वो हमेशा मास्क पहने। बी सेफ एंड बी केयरफुल। थैंक यू फॉर एवरीवन।